हैं फिल्म डायरेक्टर, आप चलते चलते फिल्म की बात करें, आप गोविंदा जी की हीरो नंबर वन की बात करें, द लिस्ट इज एंडलेस, आप गॉट टू सी ग्रेट हो सलमान खान साहब और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब की बात करें, और इमरान हाशमी साहब और अमिताभ बच्चन साहब को डायरेक्ट करने वाले चेहरे फिल्म में गॉट टू सी ग्रेट हो में डायरेक्शन करने वाले द ग्रेट लेजेंडरी रूमी जाफरी साहब, इंसानियत और मोहब्बत की जादूगरी है, इंसानियत और मोहब्बत की जादूगरी है, खुदा का बनाया हुआ यजीमोशाद शख्सियत लगन रखता है अपनी उस्तादी और अदीबों की किमियागिरी है, और अदीब और दास्तान और अफसाना निगार ऐसे मकबूल शख्सियत का इनाम जनाब भूमि साफरी है। चलिए साहब, फर्स्ट मिस्टर इंडिया, द ग्रेट शाइनिंग पर्सनैलिटी ऑफ क्रिएटेड वेव्स, सच अ वंडरफुल रोल ऑफ इंस्पेक्टर इन मूवी शराबी विद सदी का महानायक अमिताभ बच्चन जी। दोस्तों, निगाह के इस खूबसूरत अजीम और शान शख्सियत को कौन भूल सकता है, आज भी इनका चेहरा शबनमी गुलाब की तरह है, इंसानियत और मोहब्बत को अजीस्तर है, इंसानियत और मोहब्बत को अजीस्तर है, जो अदाकार अपनी मुस्कुराहट से दिल में उतर जाए उनका ही नाम जनाब दीपक पराशर है। आपको एक बात बताऊँ, जब इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और इनसे मेरी मुलाकात भी गोविंदा जी ने करवाई, गोविंदा जी के घर पे इनसे मैं मिला, जब मेरी बातचीत शुरू हुई तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि नाम से ये ब्राह्मण है या मेरे सुनने में गलती हुई, क्योंकि इनकी जबान, इनकी उर्दू इतनी अच्छी है कि अच्छे अच्छे उर्दू दाओं की नहीं मैंने देखा है पूरी ज़िंदगी में। और मतलब मुझे पता लगा कि कादर खान, जगजीत सिंह, लता जी जैसे लोग और अपना ये बोलते थे कि महानायक, सदी का महानायक जी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के साथ जिन्होंने खूबसूरत शराबी फिल्म में लाजवाब कैरेक्टर किया था, निगाह फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, इंसानियत और मोहब्बत को यह अजीस्तर है, इंसानियत और मोहब्बत को यह अजीस्तर है। दोस्तों, यही वो अजीमो शान फनकार है जिन्होंने चुराया है दिल पूरे हिंदुस्तान का, इनका ही नाम जनाब दीपक पराशर है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आवर ऑनरेबल चेयरमैन श्री राजकुमार तिवारी जी ऑन द स्टेज प्लीज, अ मैन बिहाइंड द मोमेंट हु इज अंडर कर्टेन। राजकुमार तिवारी जी, कहां है आप? जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। ये जो खूबसूरत डिजाइन आप लोग देख रहे हैं, ऑल द He is not only a wonderful organizer and a great friend of mine, he is a wonderful, wonderful designer also. A big round of applause. Hindustan Ratna Award ka ye jo khoobsurat tasveer aap dekh rahe hain, iske musawwir janab Rajkumar Tiwari hai. Zordaar taaliyon ki gargaahat ho jaye dosto. Indian Stars Award, Hindustan Ratna Award, Akhand Bharat Gaurav Award. Dosto, I would like to call upon Dr. Ajay Sai on the stage, please. जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों, फॉर द फिलैंथ्रोपिस्ट, फॉर द एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कमिंग ऑन ऑल की पूरी कायनात में ओम नमः शिवाय। और दोस्तों, खूबसूरती के इस राजकुमार का ही नाम जनाब धीरज कुमार है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। अ पर्सन हु हैज बीन नोन फॉर मेकिंग द वंडरफुल ड्रीम गर्ल इन टू अ स्मॉल स्क्रीन। Yes, अदालत, हेमा मालिनी जी को अदालत में डायरेक्ट करने वाले और धर्म पाजी से लेकर के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को भी दूरदर्शन में इसमें स्मॉल स्क्रीन में लेकर के आने वाले और पूरे के पूरे ब्रह्मांड और विश्व में महादेव का अलग ओम नमः शिवाय जगाने वाले दोस्तों, मर्यादा, पवित्रता और संस्कृति के खूबसूरत धर्म कुमार का ही नाम है जनाब धीरज कुमार। देखिए, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी कायनात, ये सारी दुनिया जो है हमारे विश्वास पे चलती है। हमारा विश्वास ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। आपको, मुझे, हम सभी को जीवन में एक गोल निर्धारित करना पड़ता है। यदि हमारे जीवन का कोई गोल नहीं है तो जीवन निरर्थक है, या अंग्रेजी में कहिए, unless until we set a goal in life, the life has no meaning. And I think you all will agree. क्योंकि कहते हैं कि जब समंदर में कोई गोता लगाता है तो किसी के हाथ में मोती आते हैं,
तो किसी के हाथ में कीचड़ आता है, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस तरह से करते हैं और क्या पाना चाहते हैं। और उसके लिए आप में ऑब्वियसली एक दृढ़ संकल्प और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बिना दृढ़ निश्चय और बिना दृढ़ संकल्प के आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। जीवन की यात्रा बहुत लंबी रही है और इस लंबी यात्रा में जहाँ तक टेलीविज़न का सवाल है, वो स्टार्ट हुआ था 1985 में और 1985 से लेकर अब तक जो चल रहे हैं, ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, तो चल रहे हैं एज एवर यंग, एज एवर फिट एंड एज एवर ऑन द मूव एक्चुअली। तो जीवन के अंदर अगर हम लाइट मोड पर कहें तो आप थोड़ा सा स्वैग भी होना चाहिए, थोड़ी सी एक अदा भी होनी चाहिए, थोड़ा एक एटीट्यूड भी होना चाहिए। डोंट यू एग्री कि बिना स्वैग और बिना एटीट्यूड तो आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते? देखा ना क्या बात है, व्हाट इज स्वैग लेके बैठे हैं। और मेरे साथ जो मेरे छोटे भाई वैभव शर्मा खड़े हैं, मेरे छोटे भाई दीपक प्राशर साहब भी यहीं पर ही हैं और रोमी जाफरी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो जीवन के अंदर मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को साथ चलना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ दो शब्द अपने छोटे भाई वैभव के लिए कहना चाहूँगा। जिंदगी में बहुत 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 फंक्शंस अटेंड किए हैं, हिंदुस्तान में किए हैं, अब्रॉड किए हैं, लेकिन वैभव शर्मा की एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये आदमी जुबान का बादशाह है, तो जोरदार तालियां जुबान के बादशाह के लिए होनी चाहिए। मुझे आज तक याद है कि लता दीदी ने एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, जब मुलाकात तो बहुत बार हुई, तब उन्होंने कहा था, जिसमें लता जी ने यही कहा था कि ये आदमी बहुत अच्छा बोलता है और क्या बात है इसका शीन का, इसके अल्फाज कमाल के हैं। साथ ही साथ खय्याम साहब ने भी कुछ कहा था इनके बारे में, और मेरे बहुत बहुत प्रिय मित्र थे गजल सिंगर जगजीत सिंह, उन्होंने भी कहा था। तो वैभव जो है अपनी जबान से आप लोगों के दिल को जीतता है, हमारे दिलों को जीतता है। रोमी यू विल ऑल्सो एग्री, ये आपके दिल को जीतता है, दीपक के दिल को जीतता है, अपनी जबान से जीतता है। तो प्यार खलूस मोहब्बत जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। एंड आई विल टेल ऑल ऑफ यू एक्चुअली कि हमारी जो कंपनी है क्रिएटिव आई लिमिटेड, उसने अब तक ऑलमोस्ट 15,000 आवर से ज़्यादा प्रोग्राम बना लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंडस्ट्री में मैं आज ही आया हूँ, मेरे लिए इस वक्त आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं। रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी जमीन पे, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, आपके इरादों में फतेह की गूंज है तो यकीन मानिए ऑब्वियसली सक्सेस आपके कदम छूएगी। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी एवर स्टॉप यू। लास्ट लाइन इतने ही कहूंगा कि हम सभी लोग कहते हैं ना कि खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम अपना भाग्य लेकर आते हैं और अपने कर्म लेकर यहाँ से जाते हैं। तो हैव योर कर्मास इंटैक्ट विच यू आर गोइंग टू टेक संडे और द अदर। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच द लेजेंडरी फिल्म मेकर एंड द डायनेमिक पर्सनालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा धीरज कुमार साहब। सर मैं चाहूंगा खूबसूरत दीवाने खास में पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाने वाली, समंदर की लहरों और सुरों के समंदर का एक पोशीदा सैलाब है उस्ताद उदित नारायण। मासूम पाकीज़ा मुस्कुराता फरिश्ता हर दिल की चाहत है उदित नारायण। और माँ सरस्वती, भारत रत्न लता मंगेशकर और खुदाए नगमा मोहम्मद रफी साहब के दस्तयाब से इंडियन सिनेमा की सबसे खूबसूरत आवाज है उदित नारायण। मोहब्बत के मंजर और सरगम की नजर में हर दिलों की इबादत है उदित नारायण। मैं दोस्तों और क्या कहूं, अपने भाई, अपने जान, अपने गमख्वार, अपने हमदर्द, सरगम का जमीन और आसमान और अव्वल और आखिरी जहान, और दोस्तों मौसीकी का शहंशाह आजम है उस्ताद उदित नारायण। मैं चाहूंगा दोस्तों 45 सालों से संगीत और सरगम की मुसलसल समंदर की लहरें पूरी की पूरी कायनात में मालिक कायनात की रहमत से तकसीम हो रही हैं, बैठ के ताली बजाना अच्छा नहीं लगता है। खड़े होकर जोरदार
तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में पद्म भूषण उस्ताद उदित नारायण साहब का आगाज किया जाए, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडियन सिनेमा इन हिंदुस्तान रत्न अवार्ड्स, अ ग्रेट सोलफुल ब्रदर ऑफ माइन उस्ताद उदित नारायण जी। मुझे गाने का मौका मिला था उस फिल्म में, दीपक पराशर जी, क्या बात। और इंडियन सिनेमा के बेहतरीन नंबर वन स्क्रीन प्ले राइटर डायरेक्टर रोमी चापली साहब, यहाँ उपस्थित आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ, गुड इवनिंग, आदाब। भैरव शर्मा जी जो है, वैभव शर्मा जी मेरी बहुत तारीफ करते हैं। आप हैं सर, आप डिजर्व करते हैं। इंसान अगर दिल से मोहब्बत करता है, सरगम की इबादत और दोस्तों मोहब्बत की कायनात अगर पूरी की पूरी कायनात में है तो दोस्तों उस्ताद उदित नारायण है। ये प्यार है। देखिए, आई हैव बीन एंटरटेनिंग यू ऑल फॉर मोर देन 45 years। जी जी। और I started my Hindi film singing career with legendary Mohammad Rafi sahab. And I got major break and major successful film was QSQT, यानी कयामत से कयामत तक। अगर देखने जाए तो 45 साल का करियर है और कयामत से कयामत तक जहां से सक्सेस शुरू हुआ है वो भी 37-38 years होने जा रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा है और आप सब लोगों का रत्न अवार्ड्स दिया गया है। हर फील्ड के लोगों को, कलाकारों को ये अवार्ड दिया गया, सबको मुबारकबाद देता हूं। और मुझे भी ये अवार्ड से सम्मानित किया है हमारे वैभव शर्मा जी, साथ में हमारे दीपक पराशर जी। जब मैं स्टार्ट किया था अपना कैरियर जी, तब इनका पहला गाना मुझे गाने को मिला था, सुन जाने जा कहता है क्या ये बहार का समां, कह ले लो ये नजारे बन जाओ हमारे सजना सजना सजना। और हमारे बड़े भाई धीरज जी हैं, धीरज कुमार जी, इतने बड़े एक्टर, क्या क्या काम किया इन्होंने। और हम लोग गांव घर में थे तब से इनको देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आज पर्दे पे देखता हूँ इनको, मजा आता है। और हमारे वैभव जी ने कमाल काम किया है, मैं बधाई देता हूँ। आपकी मोहब्बत है सर, आपकी मोहब्बत है, और यही प्यार बनाए रखिएगा। मैं दिल से ये कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री के तीन कोहिनूर हमारे सामने खड़े हुए हैं। क्वीन एलिजाबेथ वेब ने बर्किंगम पैलेस में अपना कोहिनूर रख लिया है, लेकिन दोस्तों सिंगिंग के, मौसीकी के कोहिनूर उस्ताद उदित नारायण है, खूबसूरती के कोहिनूर जनाब दीपक पराशर है, और मर्यादा धर्म संस्कृति के कोहिनूर ओम नमः शिवाय लीजेंडरी धीरज कुमार है। क्या बात है दोस्तों, मैं दिल से ये कहना चाहूंगा कि इंसानियत और मोहब्बत इन अजीमो शान शख्सियतों का दस्तूर है। पूरी की पूरी कायनात में हमारे इंडियन सिनेमा का डंका इसलिए बजता है क्योंकि हमारे पास है उस्ताद उदित नारायण, खूबसूरती के बादशाह जनाब दीपक पराशर, और ओम नमः शिवाय मर्यादा के धर्म और वाचस्पति, इनका ही नाम दोस्तों इनका ही नाम जनाब धीरज कुमार है, और यही हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कोहिनूर है। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट हो जाए। थैंक यू सो मच जी। जी सर, सर मेरे मालिक, आज हिंदुस्तान रत्न अवार्ड के लिए वैभव शर्मा ने हमें जो इज्जत बख्शी है, जो प्यार दिया है, उसके लिए हम वैभव शर्मा के और हिंदुस्तान रत्न अवार्ड के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। वैभव मेरा छोटा भाई है, जुबान का बादशाह है, लता जी ने, साथ ही साथ खयान साहब ने, जगजीत सिंह साहब ने इनके बारे में कहा है, ही इज़ ए मैन डाउन टू अर्थ और बहुत मेहनत करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि वैभव मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, अरे आपकी मोहब्बत है सर, भगवान तुम्हें और तरक्की दे और अच्छा काम करो, और आज इस अवार्ड में आके वाकई बड़ा अच्छा लगा है।
एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. जिंदगी की जब भी अवार्ड फंक्शन होते हैं जी, अब याद करता है और मैं आता हूँ जरूर. और जिंदगी में ये भी एक नए पड़ाव बनाता चला जाए जिस तरह आज तक हमने हमारी कंपनी ने बनाए हैं जी, और वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात. नीरज कुमार जी इज लुकिंग लाइक अ रॉयल प्रिंस एंड रॉयल क्राउन प्रिंस ऑफ इंग्लैंड आई शुड से दिस थिंग एट दिस एज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज प्योरिटी, बिकॉज ऑफ हिज डिग्निटी, अपनी पवित्रता और अपनी आध्यात्मिक चेतना की वजह से जो आप इनमें तेज देख रहे हैं वो इसलिए दोस्तों कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ है. एक महादेव भगवान शिव जी के पास तीसरा नेत्र था और दोस्तों उनके भक्त आदरणीय जनाब धीरज कुमार साहब के पास में महादेव के आशीर्वाद से सृजन की आंखें हैं जिसे क्रिएटिव आइस कहा जाता है. इसीलिए हम प्यार से कहेंगे ओम ओम नमः शिवाय. थैंक यू सो मच. ओम नमः शिवाय. अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ ये आदरणीय द्वारा ही मुझे हिंदुस्तान रत्न मिला है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वैभव जी आपको मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी मोहब्बत है सर, आपकी हम ऐसा बेनता मोहब्बत करते हैं. ये गीत गंधर्व और शब्द वाचस्पति और गीत शिरोमणि है और आने वाले वक्त में आप इन्हें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देखेंगे. और दोस्तों लोकुश सिंह जी सृजन की मर्यादा की धर्म की दिव्य कवच लेकर चलते हैं और भगवान श्री राम और हनुमान जी हमेशा इनके साथ चलते हैं क्योंकि इनका नाम लोकुश है और यह दुनिया और जिंदगी की हर जंग को जीतेंगे क्योंकि इनके साथ में भगवान श्री राम का आशीर्वाद. बहुत कामयाब रहा आपका जो है आज जी. सबको कैसे शुक्रिया. मैं आदरणीय उदित नारायण जी, क्रिएटिव वाइज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जनाब धीरज कुमार और अपनी इंडस्ट्री के सभी लीजेंड्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आज आप लोगों का आशीर्वाद मिला और ये हिंदुस्तान रत्न अवार्ड सेरेमनी में चार चांद लग गए. आप सभी मीडिया भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच, लव यू सो मच और आप लोग अपनी मोहब्बत ऐसी ही बना रखिएगा. थैंक यू.